तो वही साल की सबसे बड़ी सेल आने वाली है जो कि है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज, और इसकी डेट भी निकल के आ चुकी है। ये सेल स्टार्ट हो रही है 30 सितंबर से और एली एक्सेस स्टार्ट होगा 29 सितंबर से। और इसी के साथ अमेजोन पर भी सेल स्टार्ट होती है जो कि है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, और इसकी भी डेट सेम ही रहने वाली है। तो भाई आप मुझे कमेंट में बताओ आप इस साल इस सेल में क्या खरीदने की सोच रहे हो। और आज की वीडियो में आईफोन की बात करने वाले हैं, इनके प्राइस ऑलमोस्ट वही रहने वाले जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ 19-20 का फर्क हो सकता है बट ऑलमोस्ट यही प्राइस रहने वाले हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा आईफोन लेना चाहिए और कौन सा आईफोन इग्नोर करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेक आर्मी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हाँ बेल आइकन को ऑल पे करना मत भूलना। तो भाई सबसे पहले आईफोन 12 से स्टार्ट करते हैं, जो कि भाई आज तक लोगों का डाउट है कि आईफोन 12 ले या ना ले। तो देखो भाई मैं आपको सिंपल ये बताऊंगा आप आईफोन 12 को इग्नोर करना, क्योंकि इसका करंट प्राइस 38,000 है और इसमें आपको 64GB का बेस वेरिएंट मिलता है। तो इससे अच्छा आप आईफोन 12 को इग्नोर करके चलो और इसके नीचे वाले जितने भी आईफोन उन सबको इग्नोर कर देना। और अगर मैं आईफोन 12 के बिग बिलियन डे सेल की प्राइस की बात करूं तो ये आपको 25,000 में देखने को मिलने वाला है, जो कि भाई आप तब भी इसको इग्नोर करना। अब बात करते हैं आईफोन 13 की। आईफोन 13 का करंट प्राइस अभी चल रहा है 50,000 या उससे ऊपर नीचे होता रहता है, बट इस सेल में इसका प्राइस आपको 37,000 के अंदर देखने को मिलने वाला है, और इस प्राइस में ये फोन काफी तगड़ा होने वाला है। क्योंकि अगर मैं आईफोन 14 से भी कंपेयर करूँ ना तो बहुत ही कम चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसीलिए इस प्राइस में काफी अच्छी चॉइस बन सकती है आईफोन 13। तो अगर आप कोई आईफोन लेने की सोच रहे हैं और आपका बजट इतना है तो आप आईफोन 13 ले सकते हैं, काफी अच्छी चॉइस बन सकती है आपके लिए सेल में। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है आईफोन 13 लेने का, क्योंकि ये 128GB के साथ स्टार्ट होता है, तो ये काफी अच्छी चॉइस बन सकती है आपके लिए। और अब बात करूँ आईफोन 14 की, इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है 58,000 और ये आपको इस सेल में 43,000 के अराउंड देखने को मिलने वाला है। और भाई सच में इस प्राइस में काफी तगड़ा फोन रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको सिनेमेटिक मोड मिल जाता है, कैमरा के मेगापिक्सल आपको बड़े मिल जाते हैं, और ये काफी अच्छा फोन बन जाता है। अगर आपका बजट आईफोन 13 से थोड़ा सा ज्यादा है तो आप आईफोन 14 को जरूर चेकआउट करना, ये काफी अच्छी डील बन सकती है आपके लिए आईफोन 14 इस प्राइस में। और इसका भी प्लस पॉइंट ये है कि ये भी 128GB के साथ स्टार्ट होता है, तो आपको स्टोरेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, स्पेशली अगर आप वीडियो वगैरह बनाते हैं तो आईफोन 14 आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस बन सकती है, क्योंकि सिनेमेटिक मोड मिल जाता है और कैमरा भी इसका काफी अच्छा है। बाकी पूरी आपकी कॉल है आपको आईफोन 13 लेना है या आपको आईफोन 14, क्योंकि दोनों में थोड़े से ही चेंजेस है और दोनों में प्राइस का 10,000 का डिफरेंस रहने वाला है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देखना आपको आईफोन 13 लेना चाहिए आईफोन 14, दोनों ही अच्छे फोन इस प्राइस में जो ये आने वाले सेल। और अब बात करूं आईफोन 14 प्रो की, तो इसका करंट प्राइस जो चल रहा है वो 1,20,000 है और इस सेल में ये आपको 80,000 के अंदर देखने को मिलने वाला है। देखो अगर आप मेरी मानो तो इस फोन को इग्नोर कर सकते हो 80,000 के अंदर, क्योंकि अभी आईफोन 16 सीरीज भी आने वाली है और इसके बाद इसका प्राइस और भी कम होने वाला है, और इसमें आपको वो अपग्रेड भी नहीं मिलेंगे जो आपको आईफोन 15 और 16 में देखने को मिलने वाला है। हाँ इसकी जगह आप आईफोन 14 प्रो मैक्स ले सकते हो जिसका करंट प्राइस अभी चल रहा है 1,30,000 और ये आपको इस सेल में 90,000 के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो ये आईफोन 14 प्रो से ज्यादा अच्छी चॉइस बन जाएगी आईफोन 14 प्रो मैक्स, इसीलिए आप इस फोन को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें कैमरा भी अच्छा मिल जाएगा, बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाएगा और डिस्प्ले में आपको नोच नहीं मिलेगी, कैप्सूल सा डिजाइन मिल जाएगा, जो कि भाई लिटरली यूजफुल है ये चीज। और अब बात करूं भाई सबसे बड़े डील की, जो कि है भाई आईफोन 15। भाई ये काफी तगड़े प्राइस में आने वाला है इस सेल के अंदर, और मैं आपको ये पहले ही बता दूं 3 से 4 मिनट ही स्टॉक में रहने वाला है, तो जिसकी किस्मत होगी उसको ये फोन मिलने वाला है। और अगर आप इसके करंट प्राइस की बात करूं तो ये 70,000 में देखने को मिलता है और इस सेल में ये आपको 48,000 में देखने को मिलने वाला है, और भाई लिटरली इस प्राइस में काफी तगड़ा फोन होने वाला है, क्योंकि भाई ये लॉन्च हुआ था 80,000 में और अब आपको इस सेल में 48,000 में देखने को मिलने वाला है, जो कि भाई ये स्टॉक में भी 3 से 4 मिनट में ही रहने वाला है। तो इसीलिए भाई आप अपना एड्रेस कार्ड वगैरह सब ऐड करके रखना कि आपको बस क्लिक ऑन बाय करना है, क्योंकि भाई 3 से 4 मिनट के बाद इसका प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, तो उस दिन जिसकी किस्मत काम करेगी तो ये फोन उसको मिल सकता है। और इस फोन के बेनिफिट ये है कि आपको 128GB तो स्टोरेज मिलने वाली है ही, साथ में आपको बड़ी सी नोच नहीं मिलती, आइसलैंड वाली डिस्प्ले मिल जाती है जो कि भाई काफी अच्छी लगती है, और कैमरा भी काफी अच्छा है इस फोन का, और परफॉर्मेंस भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, साथ में आपको इसमें बैटरी बैकअप भी काफी बड़ा मिल जाता है, जो कि नो डाउट भाई 48,000 में काफी तगड़ा फोन होने वाला है। तो इस साल आपको कोई आईफोन लेना है तो भाई आप इस फोन को जरूर चेकआउट करना, बहुत अच्छी डील बन सकती है आपके लिए ये। और अगर आपको डिस्प्ले साइज थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप आईफोन 15 प्लस भी ले सकते हैं, जिसका करंट प्राइस अभी 75,000 के अंदर चल रहा है। बाकी आपकी कॉल आपको कॉम्पैक्ट फोन चाहिए या आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए, तब दोनों में से कोई भी फोन ले सकते हैं, इस सेल में बहुत ही अच्छी डील बनने वाली है आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस। और अगर मैं आप बात करूं आईफोन 15 प्रो की, इसका करंट प्राइस चल रहा है 1,25,000 और ये इस सेल में आपको 1,05,000 में देखने को मिलने वाला है, और ये फोन भी आप चेकआउट कर सकते हो, काफी अच्छा फोन है, कॉम्पैक्ट फोन है, बट एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इस फोन का, ये फोन बहुत ज्यादा हीट होता है और बैटरी बैकअप भी आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है इस फोन में। ओवरऑल ये फोन काफी अच्छा है अगर कैमरे के पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि आपको इसमें वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। तो अगर आपका बजट है 1,00,000 के समथिंग तो आप आईफोन 15 प्रो ले सकते हैं, ये काफी अच्छी डील बन सकती है 1,05,000 में। और अब मैं बात करूं आईफोन 15 प्रो मैक्स की, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 1,40,000 और आप भी जानते हैं ये लॉन्च हुआ था 1,60,000 में, और ये इस साल इस सेल में आपको 1,20,000 के अंदर देखने को मिलने वाला है, और लिटरली गाइस ये काफी अच्छी डील बन सकती है 1,20,000 में, क्योंकि बहुत ही तगड़ा फोन है ये। और
मैंने भी ये फोन काफी टाइम तक यूज किया है, मुझे काफी अच्छा बैटरी बैकअप मिला है, कैमरा भी काफी अच्छा है और डिस्प्ले भी काफी स्मूथ है और ये फोन इतना हीट भी नहीं होता। और अपडेट के बाद इस फोन में जो नेटवर्क इशू थे ना वो भी अब फिक्स हो गए हैं। तो अगर आप कोई मैक्स सीरीज लेने की सोच रहे हैं तो आईफोन 15 प्रो मैक्स जरूर चेकआउट करना, काफी अच्छा फोन बन सकता है इस प्राइस में। और लिटरली यार इस साल आईफोन काफी अच्छे प्राइस के साथ आने वाले इस साल, क्योंकि इसी साल आपको आईफोन 16 सीरीज भी लॉन्च होते हुए दिखने वाली है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं आईफोन 16 सीरीज का लॉन्च इवेंट 9 सितंबर को है। और आप भी जानते हैं जब भी आईफोन सीरीज की न्यू सीरीज लॉन्च होती है तो पुराने सीरीज के अपने आप ही प्राइस कम हो जाते हैं, तो इसीलिए इस साल इस बिग बिलियन डे के सेल में आईफोन के प्राइस काफी कम होने वाले हैं। और आईफोन 16 सीरीज काफी अच्छे चेंजेस के साथ आ रही है, मतलब बहुत ही बड़े अपग्रेड के साथ आ रही है। उनमें आपको एप्पल इंटेलिजेंस मिलने वाला है, मतलब पूरा AI वाला सिस्टम मिलने वाला है। और आईफोन 16 का तो पूरा कैमरा मॉड्यूल ही चेंज कर दिया है। 16 सीरीज में आपको कैप्चर बटन भी मिलने वाला है और आईफोन 16 भी आईफोन 15 वाले प्राइस के साथ ही लॉन्च होने वाले हैं। तो अगर आप पहले से कोई आईफोन यूज कर रहे हो और अपग्रेड करना चाहते हो तो आप आईफोन 16 के लिए वेट कर सकते हो यार, ये काफी अच्छा अपग्रेड हो सकता है आपके लिए। और अगर आप 5-6 महीने वेट कर लोगे तो इनका प्राइस भी कम होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं हर साल ही ऐसा होता है, आईफोन के प्राइस कुछ टाइम के बाद बहुत ही कम हो जाते हैं। और अब मैं आपको बोनस पॉइंट बताने वाला हूँ। देखो अमेजोन पे आप SBI का कार्ड ऐड करके रख लेना और एड्रेस भी ऐड करके रख लेना, क्योंकि अमेजोन पे SBI के कार्ड भी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूँ तो फ्लिपकार्ट में 2 कार्ड जरूर ऐड करके रख लेना, एक ICICI बैंक का कार्ड और एक फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का कार्ड। इन दोनों पे ही फ्लिपकार्ट पे ऑफर आता है ज्यादातर, और आप प्लस एक HDFC का कार्ड, जो कि आईफोन पे ज्यादातर HDFC का ही कार्ड का डिस्काउंट रहता है। तो भाई ये काम आप पहले ही करके रख लेना, क्योंकि एट द मोमेंट आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एट द मोमेंट आप करने बैठे तो क्या होगा, या तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा या उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। और एक प्लस पॉइंट और ये है कि अगर आपके पास अमेजोन का मेंबरशिप है और फ्लिपकार्ट की भी मेंबरशिप है तो भाई आपको एर्ली एक्सेस मिल जाएगी, जिसका बेनिफिट आप जानते हैं, आपको पहले ही एक दिन एक्सेस मिल जाएगा। तो आप बताओ आप इस साल कौन सा आईफोन लेने की सोच रहे हैं, कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके टेक एफ आर्मी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।